जीविका परियोजना से जुड़े और जीविका परियोजना लोगों से जुड़े। तो इन सभी को मिलाकर एक क्रांतिकारी शक्ल देने के लिए, एक बदलाव की शक्ल देने के लिए ये एक परियोजना का रूप दिया गया है जीविका के नाम के तौर पर। ये छोटे में हमारे जो आदिवासी इलाके हैं, 7 जिले जो हैं हमारे, जिनमें कि हम 57 पंचायतों में काम कर रहे हैं, 104 गांवों में काम कर रहे हैं, उन सभी जगहों पर जो हमारे आदिवासी, मेनली जो हमारे भील भिलाड़ा जो आदिवासी हैं, उनकी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव आता है। हम बहुत छोटे छोटे बदलाव की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम पूरा आदिवासी इलाका बदल देंगे। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा डेवलपमेंट ला देंगे इस परियोजना के माध्यम से, लेकिन छोटे छोटे बदलाव। जैसे कि अगर आज के डेट में हम देखते हैं तो जो आदिवासी की जो अपनी पहचान होती है, जो एक ट्राइबल आइडेंटिटी होती है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। आज जेब में चाइनीज मोबाइल बजता है, उसमें बहुत सारे गाने बजते हैं। पहले जो हम संगीत अभी आप बाहर देख रहे थे, वो संगीत पहले बजता था, अभी जो है वो चाइनीज मोबाइल बजता है। पहले वो जो धोती और कुर्ता वाला होता था वो स्टाइल होता था, आज जो है जीन्स ले लिया। पहले आप अपने ही इलाके में खेती बाड़ी करते थे, अपने ही इलाके की जो रिसोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल करते थे और अपनी आजीविका चलाते थे। आज यहाँ से लोग गुजरात जाते हैं, गुजरात में जाके बीज लेबर का काम करते हैं, 300 रुपये कमाते हैं, और हमारा बेस लाइन सर्वे ये कहता है कि उस 300 रुपये से मुश्किल से वो जो है 42 रुपये बचा पाते हैं। तो उससे बेहतर है कि वो 42 रुपये ना बचाए वहाँ पर, अपने यहाँ पर ही जो उनके रोजगार के साधन उपलब्ध हैं, जो रिसोर्सेस उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल करें। और उन सभी चीज़ों को सोच में जोड़ते हुए हमने इस जीविका परियोजना को एक शक्ल देने की कोशिश की है।